hello everyone you are watching video on hibernate this is the lecture number 20 on hibernate in this video we will discuss inheritance in hibernate in hibernate inheritance we will discuss second strategy that is table per subclass so let us get started now as we know there are three inheritance strategies in hibernate

सेपरेटल्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल बीन क्लासेज का मतलब है कि इस सेकेंड स्ट्रेटजी में हमारे पास हाइबरनेट एप्लीकेशन में जितनी भी बीन क्लासेस होगी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय बीन क्लास है और इसकी दो सब क्लासेस है मैनेजर और क्लर्क इस तरीके से अपने पास तीन बीन क्लासेस है तो डेटाबेस टेबल में तीन डिफरेंट टेबल्स क्रिएट होंगे वह होंगे सुपर क्लास एम्प्लॉय के करेस्पॉन्डिंग सब क्लास मैनेजर के करेस्पॉन्डिंग और सब क्लास क्लर्क के करेस्पॉन्डिंग और जब कॉलम्स की बात आती है तो जो सुपर क्लास एम्प्लॉय है उसके लिए जो एम पी टेबल बनेगा उसमें सुपर क्लास के जो प्रॉपर्टी है आई डी नेम सैलरी उनके लिए कॉलम क्रिएट होंगे आई डी नेम सैलरी ओके नेक्स्ट जो एक uh, सब क्लास के लिए टेबल बनेगा जैसे हम मैनेजर के लिए लेटेस्ट सपोज एम जी आर टेबल क्रिएट हुआ तो उसमें सब क्लास की प्रॉपर्टी जो है डी ए टी ए उनके लिए कॉलम बनेंगे डीएटीए कॉलम जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉलम आई डी भी क्रिएट होगा यह एक तरीके से फॉरेन की कॉलम आप कंसिडर कर सकते हो जो कि एम्प्लॉय के लिए जो ई एम पी टेबल बना है वहां से रेफरेंस हो रहा है ओके तो ये जो आई डी है ई एम पी का यह आई डी मैनेजर uh, टेबल में एज ए फॉरेन की यहाँ पे आ जाएगा सेम थिंग क्लर्क सब क्लास के लिए जो टेबल बनेगा लेटेस्ट है सी एल आर तो उसमें भी क्लर्क की जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे एच आर ए यहाँ पर तो उसके लिए कॉलम क्रिएट होंगे और एक कॉलम और बनेगा आई डी जो कि कहीं ना कहीं से एक तरीके से फॉरेन की कॉलम है जो कि सुपर क्लास के लिए जो टेबल बना हुआ ई एम पी वहाँ से रेफरेंस होगा जब रिकॉर्ड की बात आती है तो समझने की कोशिश करें कि मान के चलिए कि हमें मैनेजर का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो मैनेजर के केस में जो वैल्यूज होगी आईडी नेम सैलरी और डीए टीए तो ये वैल्यूज में जो आईडी नेम और सैलरी यानी सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है वह सुपर क्लास में जाएगी और जो सब क्लास प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी यानी डीए टी ए की वैल्यू वह सब क्लास के लिए जो टेबल बना है वहां पर आएगा बट उस रिकॉर्ड के साथ में ही वो जो आईडी

सेम थिंग जैसे क्लर्क का रिकॉर्ड जब हम इंसर्ट करेंगे क्लर्क का ऑब्जेक्ट हम सेव करेंगे तो उस केस में जो सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड है वैल्यूज है वह ई एम पी टेबल यानी सुपर क्लास के टेबल में जाएगी जैसे यहाँ पे श्री और ये लिखा हुआ है सैलरी और इसका आई डी लेटेस्ट है टू है बट सिंस ये क्लर्क का रिकॉर्ड है तो सब क्लास की जो वैल्यूज है वह सब क्लास के लिए जो टेबल क्रिएट हुआ सी एल आर उसमें जाएगी और इनको जो रेफर किया जाएगा यहाँ पे जो टू आई डी है वो टू आई डी की एंट्री यहाँ पे सीएलआर uh, टेबल में भी है तो यू कह सकते हैं कि यह ई एम पी टेबल में जो टू आई डी का रिकॉर्ड है यह क्लर्क को बिलोंग करता है है ना वैसे ही तीसरा रिकॉर्ड भी हो क्लर्क को बिलोंग करेगा इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड के बीच में रिलेशनशिप भी स्टेबलाइज हो जाएंगे फाइन नाउ लेट अस डिस्कस दिस स्ट्रेटजी प्रोग्रामेटिकली फाइन सो जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसमें भी कोई टेबल नहीं है सो so, टेबल्स में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है नाउ आई एम ओपनिंग द क्लिप्स Uh, जैसा कि हम हर वीडियो में करते भी आ रहे हैं कि इनिशियली uh, एक वीडियो में मैंने हाइबरनेट एप्लीकेशन हाइबरनेट प्रोजेक्ट कैसे क्या बनाएंगे वो बता दिया था बीन वगैरह क्रिएट करना सी वगैरह तो वो तो ऑलरेडी हम जानते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्री क्रिएटेड हाइबरनेट एप्लीकेशन यूज़ करूंगा इवन उसमें बीन क्लासेस भी क्रिएटेड है जो पिछले वीडियोज़ में भी हमने यूज़ किए थे अब उसी को हम यूज़ कर लें सो so, यहाँ पे एम्प्लॉय बीन है उसको हमने एट द रेट एंटिटी एट द रेट टेबल लिखी दिया यहाँ पे ई और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल है Uh, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको ब्रीफ कर दूं कि यहाँ पे आपको नॉर्गमेंट कंस्ट्रक्टर रखना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखना है एंड देन गेटर सेटर मेथड्स होनी okay. चाहिए तो सुपर क्लास के साथ में आपको एक अनोटेशन यूज करना पड़ेगा दैट इज एट द रेट इनहेरिटेंस और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ एट द रेट इनहेरिटेंस अनोटेशन जो है वह कौन सी इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी जी आप यूज करना चाहते हो उसको स्पेसिफाई करने के काम में आता है तो यहाँ पे हम सेकेंड स्ट्रेटजी यानी टेबल पर सब क्लास वाली स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा एट द रेट इनहेरिटेंस अनोटेशन में स्ट्रेटजी एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको देना है और वह यहाँ पे होगी ज्वाइंट uh, तो so आपको यहां हमने सिंगल टेबल यूज किया था अब इसके लिए हम यूज कर रहे हैं यदि आपको table पर के लिए जाना है तो आपको inheritance type में mention करना है तो में करना जैसा मैंने बताया कि इस इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी में जो टेबल क्रिएट होंगे वो सभी बीन के लिए होंगे तो जो एम्प्लॉय की सब क्लास हमने क्रिएट की हुई है मैनेजर तो मैनेजर को हमने एट द रेट एंटिटी तो लिख दिया बट इसके करस्पॉन्डिंग जो टेबल है वो भी हम मेंशन कर दें सो so, एट द रेट टेबल आल दो ये ऑप्शनल है टेबल नेम स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बीन का नाम ही एज ए टेबल नेम यूज हो जाएगा बट मैं यहाँ पे मैंशन कर रहा हूँ सो so, नेम में मैंने लिख दिया एम जी आर ओके दैट्स इट उसके बाद में इसकी जो दूसरी सब क्लास है क्लर्क है ना क्लर्क में भी हम यही चीजें देखें स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पे बीन क्लासेस ऑलरेडी क्रिएटेड मैं यूज कर रहा हूँ तो आपको नहीं भूलना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर मेथड्स एंड टू स्टिंग मैथ राइट करना नहीं भूलना है ओके फाइन सो यहाँ पे क्लर्क के साथ में एट द रेट एंटिटी तो लिख दिया है नाउ वी विल गो फॉर एट द रेट टेबल सो so, एट द रेट टेबल एंड स्पेसिफाई द टेबल नेम दैट विल बी मैप्ड क्लर्क तो यहाँ पे मैंने नेम में लिख दिया लेटर से सी एल आर सो तीन डिफरेंट टेबल नेम्स यहाँ पे हमने लिख दिए नाउ थ्री आर देयर तो पहले हाइबरनेट फाइल में चेक कर लें कि ये एच बी एम टू डी डी एल क्रिएट ऑलरेडी लिखा हुआ है और तीनों बीन के एंट्रीज है एम्प्लॉय मैनेजर क्लर्क सो इट इज फाइन नाउ कम बैक टू द मेन क्लास यहाँ पे हाइबरनेट का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है ओके गुड थिंग इज वॉट कि प्रीवियसली uh, क्रिएटेड प्रोजेक्ट uh, है तो इसमें मैनेजर का ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है मैनेजर में हमने कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया है थ्री सी सैलरी टी ए डी ए की वैल्यू क्लर्क के भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका आईडी नेम और सैलरी और एच आर की वैल्यू दिया है और उसको हमने सेव भी कर दिया हुआ है तो लेटेस्ट रन दिस एप्लीकेशन नाउ रन एस जावा एप्लीकेशन ओके okay. यहाँ पे क्वेरी देख के हमें समझ में आ गया कि तीन टेबल क्रिएट हुए हैं है ना सी एल आर ई एम पी मैनेजर वगैरह है ना एंड रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया अभी हम एक बार और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देते हैं सो so उसके लिए पहले सी एफ जी फाइल में जाके हमें यहाँ क्रिएट की जगह अपडेट किया एंड मेन क्लास में आपस आके यहाँ पे रिकॉर्ड हम चेंज कर दें ये आईडी मैंने वन और टू uh, कर दिया नेम भी बदल देते हैं राम एंड सपोज मैंने लिख दिया रामा ओके सो रन द एप्लीकेशन नाउ राइट क्लिक रन जावा एप्लीकेशन सो कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गए लेट लेटेस्ट चेक द डेटाबेस डेटाबेस पे हम आते हैं तो यहाँ पे Now, हमने दिया एम पी टेबल में तीन कॉलम्स है आई डी नेम सैलरी जो कि सुपर क्लास एम्प्लॉई की प्रॉपर्टीज के करस्पॉन्डिंग है और यहाँ पे देखें मैनेजर के जो रिकॉर्ड थे वन और थ्री और क्लर्क के जो रिकॉर्ड थे टू और फोर तो उनके जो सुपर क्लास प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है इसी टेबल में आ गई अब हम मैनेजर के रिकॉर्ड सेलेक्ट करके देखें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम जी आर अनलुखियर है ना तो यहाँ पे डी ए टी ए जो कि सब क्लास प्रॉपर्टीज़ के लिए कॉलम्स है तो उनकी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ देखो आई डी वन थ्री तो यूँ कह सकते हैं कि ई एम पी टेबल में ये जो वन और थ्री आई डी की एंट्री है यह मैनेजर के रिकॉर्ड है एंड वैसे ही क्लर्क के रिकॉर्ड की भी एंट्री हो गई होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सी एल आर ओके अनलुखियर एच आर ए की वैल्यू है और आई डी यहाँ पे टू फोर है यानी ई एम पी टेबल में ये जो टू फोर है ये जो दो रिकॉर्ड है वो क्लर्क के ऑब्जेक्ट को या क्लर्क बीन को बिलोंग करेंगे दिस इज अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं वह तीन डिफरेंट टेबल में स्टोर हो रहे हैं बट जब आप रिकॉर्ड सेलेक्ट करोगे जस्ट लुक हियर लिखिए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जब आप रिकॉर्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैं प्री रिटर्न कोड यूज कर रहा हूँ तो क्वेरी का यूज किया हमने क्वेरी क्यू और क्रिएट क्वेरी मेथड में यहाँ पे हमने लिख दिया लेटेस्ट से फ्रॉम

तो वो भी उन्होंने लगा दिया तो तीनों टेबल ई एम पी सी एल आर और एमजीआर से रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ गए और यहाँ पे शुरू हो गए नाउ वट डू सपोज मैंने फ्रॉम मैनेजर लिखा तो अब सिर्फ मैनेजर के रिकॉर्ड आएंगे मतलब ईएमपी टेबल से और एमजीआर टेबल से सीएलआर टेबल से रिकॉर्ड नहीं आएंगे वो भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं सो फ्रॉम मैनेजर क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट करवाया राइट क्लिक रन एस जावा एप्लीकेशन आई लुक एट क्वेरी इज रिटन और मैनेजर के रिकॉर्ड आ गए दोनों टेबल में से है ना हमने क्वेरी के लिए सिर्फ इतना लिखा फ्रॉम मैनेजर है ना अब क्लर्क के लिखना है तो तो फ्रॉम क्लर्क क्लर्क रिकॉर्ड यदिंग एम आ जाएंगे ईएमपी और सीएलआर टेबल से एमजीआर टेबल अब जी पे स्किप हो जाएगा रन अस सो वेरी इजी टू राइट द क्वेरी इन हाइबरनेट ओके मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ रहे हैं बट देन ओनली वी आर राइटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम क्लर्क फ्रॉम मैनेजर दैट्स इट लुक दोनों क्लर्क के रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गए बाकी की क्वेरी क्वेरी जो भी आपको लिखना लिखना है, है, कुछ डिलीट अपडेट का काम करना है या फिर कोई वेयर कंडीशन वगैरह लगाना है या जो भी आपको करना है कैन बी रिटर्न एज इट इज ओके सो दिस इज द सेकेंड स्ट्रेटजी इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी इन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो